दीजिए मौका अपने खून को, दीजिए मौका अपने खून को किसी की रगों में बहने का, यही लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। साथियों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो कि पूर्व डिप्टी स्पीकर विधानसभा हरियाणा संतोष यादव जी के जन्म दिवस पर और शहीदी दिवस पर एक रक्तदान शिविर कनीना में लगाया गया और वहां पर काफी लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया गया, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और साथियों, कहा जाता है कि वक्त का हर क्षण और रक्त का हर कण अमूल्य होता है, तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए। एक गलत बात नहीं, एक अच्छा कार्य है। आपको भी पता है कोरोना महामारी में या वैसे भी किसी को रक्त काम आ सकता है। आज का रक्त दाता कल रक्त प्राप्त करता भी हो सकता है। सो प्लीज डोनेट योर ब्लड और इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। सारे ही महानुभाव हैं, मंडल के प्रधान लक्ष्मीचंद जी, शमशेर सिंह जी, दादा श्रीराम जी, भाई मुनीलाल साहब, उमेश भाई साहब, ओमवार भाई साहब और मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे एक से एक सबका नाम लो, समय लगेगा। हमारे एक से एक बढ़कर कार्यकर्ता बंधु नेता, मैं ये कहूँ कि नेताओं से भी बड़े आप हमारे कार्यकर्ता साथी, हमारी बहनें, पत्रकार बंधु। और आज संकल्प गुरु पटेल जी जिसने आज ये सारा कार्य जचाया है और इस कोरोना महामारी के समय में रक्तदान करने का निर्णय लिया है, वो सभी हमारे साथी। और आज शहीदी दिवस, मैं सबसे पहले तमाम उन वीर और वीरांगनाओं को जिन्होंने देश के ऊपर अपने प्राण न्योछावर किए हैं और देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपने प्राण न्योछावर करे हैं, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, उनको सत सत नमन करती हूँ। क्योंकि आज हम उन्हीं की वजह से खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन्हीं के बदौलत आज भारत का भार, भारत का मस्तक सीना ताने हुए खड़ा हुआ है। कोटि कोटि नमन। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी महानुभावों का जिन्होंने संकल्प ग्रुप के बुलावे पर आप इतनी भारी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। संकल्प ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो तमाम समाज की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है और समाज को, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत है। संकल्प ग्रुप की सोच थी कि आज रक्तदान का कार्यक्रम किया जाए और मैं तो आप सभी जिन्होंने मेरे ऊपर वर्द हस्त रखा है, जिन्होंने बुजुर्ग के हिसाब से, बड़े भाई के हिसाब से आशीर्वाद देने का कार्य किया है, और मैं उन भाइयों से जिन्होंने अगाते सने मेरे प्रति दिखाया है और उन तमाम हमारे संकल्प ग्रुप के साथियों को धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपका अपार स्नेह, आपका प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद आज हमें कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे गर्दिश के दिन हो, चाहे बुलंदी के दिन हो, आपने हमेशा साथ देने का कार्य किया है। तो मैं तो आपकी सेवा में आज
मैं ये आपको कहना चाहूंगी इस सभा में कि मेरा तमाम जीवन आपको समर्पित है, लोगों के लिए समर्पित है, और मैं हमेशा लोगों की सेवा करती रहूं। मेरे जीवन के 35 साल लगातार जनसेवा में रहे हैं, और आगे जितने भगवान ने सांस दे रखी है, मेरी सोच यही है, जनता को समर्पित है ये सारा जीवन। इसी सोच के साथ आप इतनी भारी तादाद में आए, मैं आपका धन्यवाद करूंगी, धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साथ ही हमारे पत्रकार बंधुओं का, जो सारे हमारे पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं और जनसेवा में ये भी समर्पित हैं, हर बात को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, जो जनसेवा के प्रति इनका लगाव है, जनसेवा के प्रति जो भी बात हो उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगी और धन्यवाद करती हूँ विशेष रूप से इस संकल्प ग्रुप का, जिन्होंने पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत किया है और एक एक कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाने का कार्य करते हैं। साथ ही राजकुमार चेयरमैन साहब ने आप लोगों के लिए नाश्ता का भी प्रबंध किया है, तो सभी आप नाश्ता लेकर जाएंगे। और ब्लड डोनेशन जिन भाइयों ने किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया, आपकी आपका ब्लड है वो किसी गरीब के कार्य काम में आएगा, इस कोरोना युग में किसके जीवन बचाने का कार्य करेगा। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत